मुंबई से सटे डोंबिवली की एक सरकारी स्कूल का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल के विद्यार्थी स्वच्छता करते हुए नजर आ रहे हैं। डोंबिवली की एक समाज सेविका सुजाता चौहान ने यह वीडियो वायरल किया है। इस विषय में स्कूल मैनेजमेंट ने बात करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि डोंबिवली में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की दो स्कूल है। एक ही इमारत में हिंदी और मराठी मीडियम की शिक्षा दी जाती है। डोंबिवली की रहने वाली समाज सेविका सुजाता चौहान किसी काम से स्कूल गई थी, जहां उन्होंने देखा कि स्कूल की छोटी बच्चियों से ही साफ सफाई करवाई जा रही है। बच्चों को सफाई करता देख सुजाता चौहान हैरान हो गई और उन्होंने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मैं अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन महाराष्ट्र प्रदेश सचिव और नंदाताई वासकी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, इनके थ्रू हम स्कूल में कल मैं गई थी तो उधर मेरे को बच्चे कुछ टॉयलेट साफ करते हुए दिखे, तो मैंने उनसे पूछा और मेरे मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया और उनको मैंने बोला कि आप ये रोज करते हो क्या, तो बच्चे बोले हम करते हैं रोज करते हैं। बोले आपको किसने बोला है क्या, तो बोले आप लोगों को शिक्षक लोगों ने बोला है करने के लिए, ऐसा वो बोले। फिर बाद में मैंने गुप्ता मैडम प्रिंसिपल जो मुख्याध्यापक है स्कूल की, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमको स्कूल के लिए सिक्योरिटी भी नहीं है और इधर सफाई कामगार भी नहीं है। तर मैं बोला आपने उसको प्रशासन को कुछ लेटर दिया है क्या, तो बोले आप लिख किया है लेकिन अभी तक हमको कुछ उनसे सहायता नहीं मिली है। इस विषय में जब हमारे संवाददाता ने स्कूल की प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि बीते अनेक सालों से स्कूल में स्वच्छता के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक सफाई करने के लिए मजबूर है। आकिब शेख, जीवा न्यूज, डोंबिवली।